हे गाइस, गुड इवनिंग। सो आज मैं अपने पुराने घर में आ गया और इस घर में आके आज मैंने सारे कंपनीज का एनालिसिस किया। तो आई गेस बहुत सारे कंपनीज जमा हो गया, कुछ 19-20 ऑड नेम्स है जो मुझे करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में मैं कितना कंपनीज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेस्ले इंडिया के बारे में। अब नेस्ले इंडिया से बहुत बड़े कंपनीज है, राइट? ये सारे अपना बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर आपका ये मैगी, किटकैट, ये सारे चीजें बेचता है। तो नेस्ले का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कुछ 8-9% के आसपास है और वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 1% है, ठीक है? सो इफ यू लुक एट बिजनेसेस लाइक नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, इनमें उतना कुछ वॉल्यूम ग्रोथ खास है नहीं, ठीक है? तो अगर आपने बहुत हाई एक पी रेशियो पे एक कंपनी खरीदा जिसका वॉल्यूम ग्रोथ 1-4% है, तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं बनता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो यही तक है नेस्ले। और अगर ग्रोथ नहीं है तो मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ट्रैक करता रहता हूँ। लेकिन अगर आप पिछले साल भी 100 रुपए कमा रहे हो और इस बार भी आप 100 रुपए कमा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या है, अब स्टॉक ऊपर जाता है। कब स्टॉक ऊपर तब जाता है जब लेट से ग्रोथ इन सेल्स आता है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ग्रोथ या सेल्स का ओवरऑल ग्रोथ आ नहीं रहा है, तो और आप हमारे कंट्री का जो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ है उसके कम रेट से ग्रो कर रहे हो, तो मतलब उसमें उसके बारे में और क्या ही बात करें। अब आगे हम बात करते हैं एक और एफएमसीजी कंपनी के, वो है पतंजलि फूड्स। तो पतंजलि का आपको देखना पड़ेगा, पिछले 1-1.5 साल से उनका कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं है, ठीक है? अब उसका एक रीजन है, ठीक है? पतंजलि का अगर आप बिजनेस डिवीजन को देखोगे, आज भी 70-75% ऑफ सेल्स उनका आता है ये एडिबल ऑयल के स्पेस से, ठीक है? मतलब सोया ऑयल और पाम ऑयल, राइट? ये दोनों एडिबल ऑयल स्पेस में आता है। बाकी जो 25-30% के आसपास जो सेल्स आता है वो आता है आपका एफएमसीजी एंड फूड के सेगमेंट में। तो पतंजलि में प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो एडिबल ऑयल है ना, सोचो ऑयल इज अ कॉमोडिटी, राइट? तो आप जब ये पाम ऑयल बेच रहे हो, ये सोया ऑयल बेच रहे हो, उस टाइम पे अगर ऑयल का प्राइसेस घट जाता है, सो यू विल हैव टू सेल इट इन से फॉर एग्जांपल अ लोअर प्राइस, गॉट इट? मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स भी बढ़ा रहे हो लेकिन अगर प्राइस कट हो जाता है तो आपको वो कम दाम में ही बेचना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है पतंजलि का पिछले 4-5 क्वार्टर से। मतलब अगर आप देखोगे इनका सोया ऑयल और पाम ऑयल का प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, ये बहुत ही, मतलब आप देखोगे 20-40% के रेंज में इनका प्राइसेस फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इसका क्या मतलब, आज भी इनका सेल्स का जो मेजोरिटी पार्ट, जैसे मैंने बोला 70% कहां से आ रहा है, ये ऑयल सेगमेंट से, और अगर इसका फ्लक्चुएशन ही 20-40% के बीच में जा रहा है, तो इनका सेल्स का जो 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 ग्रोथ का वॉलेटिलिटी वो भी बहुत तगड़ा हो रहा है। तो इसलिए आप देखोगे पिछले 3-4 क्वार्टर से इनका प्राइसेस ऑयल का नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, इनका 70% ऑफ द सेल्स जो इनका एडिबल ऑयल से आता है उनमें हार्डली कोई ग्रोथ है। इवन इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे सिर्फ 3-4% का कंपनी का ओवरऑल का सेल्स ग्रोथ है, ठीक है? व्हाई? बिकॉज जो इनका जो मेन एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट है वो वाला सेगमेंट डिग्रीव बाई 12%। नाउ दूसरा जो सेगमेंट है वो है कि आपका फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट, ये सेकुलर वाला पार्ट है। आप देखोगे इनका एक न्यूट्रेला बेचते हैं, फिर आप देखोगे इनका एक बिस्किट का एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो जो ये बड़ा कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे दूध करके, DOODH दूध करके एक ब्रांड है इनका जो बहुत अच्छा कर रहा है। सो ये वाला सेगमेंट हैज ग्रोन 50% ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 4-5% ही है। क्यों? जब ये 50% ग्रो किया, बिकॉज दिस इज स्टिल 30% ऑफ टोटल सेल्स। नाउ मैनेजमेंट का ये कहना है कि लाइक अगर आप देखोगे कि लास्ट ईयर में इट वॉज 20% ऑफ सेल्स दिस फूड एंड एफएमसीजी वाला पार्ट, नाउ इट्स 32-33%। सो गोइंग फॉरवर्ड ये वाला पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पाई को बढ़ाना पड़ेगा और वो जो एडिबल ऑयल है जो कि वॉलेटाइल है उसके पार्ट को घटाना पड़ेगा, करेक्ट? सो दैट इज पतंजलि गेम प्लान। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज भी अगर आप देखोगे इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट फेल 20% ऑन अ YOY बेसिस इन Q4 एंड सेल्स ओनली ग्रू 4%, राइट? सो कुछ बोलने लायक है नहीं, लेकिन इनका प्रोडक्ट मिक्स सही दिशा में जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स अ मोर सेक्युलर फूड एंड एफएमसीजी वाला बिजनेस। तीसरा हम बात करते हैं अभी स्पेशलिटी फाइन डाइनिंग का। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स करके जो कंपनी है उनका आज इंडिया और दुबई में कुछ अराउंड 14-15 सिटीज में बहुत सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, ठीक है? तो मतलब आपने देखा होगा मेनलैंड चाइना, फिर आपका एशिया किचन, फिर आप देखोगे हॉपी पोला, फिर और भी इनके कुछ ब्रांड्स हैं, मैं लिख के रखा हूँ, फ्लेम एंड ग्रिल है, फिर आप देखोगे कैफे मेजूना है, फिर रियासत है। तो ये कंपनी के ये सारे बहुत सारे सब ब्रांड्स है जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है? आई गेस मैंने ये सारे जगह में जा चुका हूँ, स्पेशली आप
फ्लेमन ग्रिल और मेनलैंड चाइना में जाओगे इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, जो कि मैं हूं। नाउ प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है इस बिजनेस पे, कि इस बिजनेस को मैं जब से ट्रैक कर रहा हूं इनका कोई ग्रोथ ही नहीं आता है, ठीक है। मतलब इनका सेल्स का हमेशा डिग्रो होता है या सेल्स फ्लैट रहता है। इस बार भी अगर मैं आपको बताऊं सेल्स 3-4% YOY घट गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई गेस 15-20% के आसपास घट गया, 15% के आसपास पकड़ लो घट गया। और इनका जो दूसरा वाला अभी प्रॉब्लम निकल के आया वो है कि इनका पूरा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो कि अब देखोगे दूसरे QSR कंपनीज में भी हो रहा है। वो QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट एंड ऑल दैट, राइट। मतलब आओगे जल्दी खाओ निकल जाओ, ये वैसा नहीं है। ये है आपका फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, मतलब आप कहीं पे जाओगे, लेट्स से आप मेनलैंड चाइना में जाते हो तो आप 2-3 घंटा लेके खाते पीते हो, करेक्ट। सो वही डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इन दोनों का मॉडल में एक ही चीज कॉमन है कि कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं है, राइट, और दूसरे साइड में पूरा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का आप देखोगे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिग्री 96% YOY, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो लॉस में चला गया कंपनी, ठीक है। तो पॉइंट यही है, जब सेल्स का डिग्रोथ होता है और इतना मार्जिन कॉम्प्रेशन होता है तो स्टॉक कहां जाएगा, शेयर होल्डर्स के लिए कैसे, मतलब कैसे पैसे बना के देगा। अब हम बात करते हैं दो ऐसे कंपनीज का ना, जो आप देखोगे टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में वैल्यू रिटेल अपैरल चेन्स है, ठीक है। वैल्यू रिटेल अपैरल मतलब आप देखोगे टायर 2, 3, 4 सिटीज में ये जो आप जो 150 रुपए का कपड़े, 300 रुपए का जीन्स ऐसे बेचते हैं, ठीक है। मतलब लेटेस्ट फैशन भी होता है लेकिन वो वैल्यू रिटेल के साइड में भी आता है। तो यहाँ पे दो कंपनी है, एक का नाम है आपका वीमार्ट, दूसरा का नाम है V2 रिटेल। तो दोनों के दोनों आप देखोगे दोनों के दोनों ऐसे ही वैल्यू रिटेल अपैरल प्लेयर्स ही है, कोई इनका प्रीमियम कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है नहीं, लाइक जारा एंड ऑल दैट, ठीक है, जारा, बेनेटन, नाइकी ऐसे कुछ है नहीं। लेकिन क्या है, दोनों का रिजल्ट एकदम नॉर्थ एंड साउथ पोल है। आप अगर V2 रिटेल को देखोगे दे आर ग्रोइंग सेल्स नॉर्थ ऑफ 50%, पिछले 2-3 क्वार्टर से ये अपने सेल्स को ना 50-60% से ग्रो करते जा रहे हैं, जबकि ये वीमार्ट है, ये वीमार्ट कैन हार्डली ग्रो सेल्स, ठीक है। तो यही सबको समझ में आता है कौन अच्छी कंपनी कौन अच्छी कंपनी नहीं है। दूसरे साइड में आप देखोगे अगर आप वीमार्ट को देखोगे, वीमार्ट फिर से लॉसेस खाया, लॉसेस खाने का मतलब ये कि इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आप अगर वीमार्ट का थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ोगे ना, कोविड के बाद से जब से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा तो मैनेजमेंट को पता चल गया था कि लाइक हम तो अपने प्राइसेस नहीं बढ़ा पाएंगे कपड़े का, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहा है, तो ये लोग फुटफॉल्स को बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, और क्या किया, प्राइसेस बढ़ाया नहीं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि अगर आप प्राइसेस बढ़ाओगे तो लोग आपके दुकान में आएगा नहीं, क्योंकि वैसे ही आप एक वैल्यू रिटेल अपैरल दुकान हो, और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गया और प्राइसेस नहीं बढ़ा पा रहे, फुटफॉल घटने का आपका टेंशन है, इसलिए क्या हुआ आपका फुटफॉल्स भी घटा और दूसरे साइड में आपका मार्जिन्स का भी कंप्रेशन हुआ। तो वीमार्ट का भी अगर आप पिछले 2 साल में देखोगे स्टॉक 50-60% एक टॉप से गिर के बैठा है, क्यों, बिकॉज कंपनी में ना कोई सेल्स ग्रोथ है ना कोई उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। लेवरेज तो छोड़ ही दीजिए, यहां पे तो मतलब लॉसेस का खेल चलता है वीमार्ट में। आई गेस पिछले क्वार्टर में ये लोग प्रॉफिट्स किया था लेकिन नाउ दे आर बैक टू लॉसेस। तो जो कंपनी लॉसेस करता रहता है, सेल्स ग्रोथ नहीं, वो पैसा नहीं बनाता है। लेकिन अब वीमार्ट को अब V2 रिटेल को देख सकते हो, V2 रिटेल के पोर्टफोलियो में पहले विशाल मेगामार्ट हुआ करता था जो लॉस मेकिंग था, इन्होंने उसको हटा दिया और बाकी पोर्टफोलियो को एकदम प्रिस्टीन कर दिया, ठीक है। V2 रिटेल अब देखोगे वो लॉस से प्रॉफिट में आया और वो 50% से ग्रो कर रहा है सेम सेगमेंट में रह के। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं वो है कि ट्रेंड का। तो ट्रेंड का अगर आप देखोगे 50-60% का जो सेल्स का ग्रोथ आता है टाटा का, जो रिटेल वाला अपैरल वाला कंपनी है, तो वहां भी आप देखोगे कि लाइक जूडियो बहुत तगड़ा मतलब रेट से ग्रो कर रहे हैं, और जूडियो का भी ना प्राइस पॉइंट्स आप देखोगे वही 300-400-500 रुपए का ही शर्ट पैंट वगैरह बेचता है। तो ऐसा कुछ खास बात है जो जूडियो कर रहा है, V2 रिटेल कर रहा है, जो लेट से फॉर एग्जांपल है बाकी अपैरल चेंज नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे आदित्य बिरला फैशन, जिनका आज पैंटलून से उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, अभिमार्ट का तो बात किया ग्रोथ नहीं है, मोंटे कार्लो एक और कंपनी है जिसमें उतना ग्रोथ नहीं है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि कुछ कंपनीज एक साइड में ग्रो कर रहा है जबकि कुछ कंपनीज को एकदम ही ग्रोथ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया V2 रिटेल और वीमार्ट रिटेल का। एक दो कंपनी और कर लेते हैं, जैसे अभी हम एक काम करते हैं, एक और कंपैरिजन करते हैं सफारी और VIP इंडस्ट्रीज का। तो सफारी और VIP इंडस्ट्रीज क्या बनाते हैं, हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, बैकपैक्स, लेडीज बैग, ठीक है, यही सब चीजें भी इनका पोर्टफोलियो है। अब आपको पता है कि रेट कोविड के बाद जब से ट्रैवल चालू हुआ, कॉर्पोरेट ट्रैवल या लेजर ट्रैवल, तो ये वाला स्पेस भी वापस आ गया अलोंग विद द एयरलाइन सेक्टर। दूसरे साइड आप देखोगे मैरिज सीजन में इनका बहुत फायदा होता है, बिकॉज मैरिज सीजन में बहुत दूल्हे दुल्हन को बोलते हैं कि तुम लोग हनीमून में जा रहे हो तो ये लो एक लगेज ले लो। और अभी लगेज लोग ये नहीं सोच रहे कि सिर्फ कपड़े मतलब डाल के हम कहीं घूमने जाएंगे, लोग आज लगेज को ना अपना फैशन का एक एक्सटेंशन मान लिया है, ठीक है।
तो अगर आपका कोई फैशन लगेज है और से वो एक हार्ड लगेज है तो उसका सेल बहुत अच्छे से हो रहा है। दूसरे साइड में जो सफारी बोलता है, इवन आप देखोगे ब्रांड कॉन्सेप्ट, उसका तो रिजल्ट नहीं आया तो मैं अभी इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, लेकिन वो भी बात करता है अपना ई कॉमर्स के सेगमेंट पे। क्योंकि आज देखिए, आज आपको ट्रैवल के साथ एक कॉन्टेंट बिल्ड करना पड़ता है, राइट, और लोगों को बताना पड़ता है कि उस डेस्टिनेशन में जाओ, ये वाला फैशन ब्लॉगर के सुनो, ये वाला जगह में जाओ। तो क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि वो जो आप लगेज कैरी कर रहे हो वो आपका पर्सनालिटी और ग्रूमिंग का एक एक्सटेंशन बन रहा है, राइट। तो सफारी और वीआईपी में ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे, सफारी हैज ऑलवेज बीन अ हाई ग्रोइंग कंपनी, वीआईपी उस रेट से ग्रो नहीं कर पाता है। सफारी का अगर आप Q4 में भी देखोगे, दे ग्रू सेल्स बाय 21-22% YOY, और Q4 और FY24 और FY23 में आई थिंक सफारी का सेल्स ग्रू 26%, जबकि वीआईपी का पहले मैं बोल सकता हूं कि पहले उनका 5-6% सिंगल डिजिट का सेल्स ग्रोथ हुआ करता था YOY इन एवरी क्वार्टर, लेकिन अभी उनका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है एंड देयर सेल्स ग्रू 15% ऑन अ YOY बेसिस, और उनका FY24 ओवर 23 में 10% के आसपास इनका ग्रोथ है। लेकिन यहां पे बात आता है कि लाइक अगर आप सफारी जैसे बिजनेसेस को देखोगे और वीआईपी देखो देखोगे, दोनों को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, दोनों का पैट का ग्रोथ इज वे लोअर देन आपका सेल्स का ग्रोथ, लेकिन फिर भी अगर मुझे दोनों में चूज करनी है तो सफारी बेटर लगता है, बिकॉज सफारी इज ग्रोइंग सेल्स एट अ फास्टर पेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सफारी और वीआईपी का कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं डायनामिक केबल्स करके एक पावर केबल वाला कंपनी का, ठीक है। तो आपने देखा होगा KEI और पॉलीकैप का रिजल्ट आया, और उसके साथ अभी डायनामिक केबल का भी आया, इसके बाद RR केबल का भी आएगा, तो मैं चारों के एक साथ कंपैरिजन करके भी दे दूंगा। अब यहां पे देखो क्या हुआ, डायनामिक केबल ये KEI पॉलीकैप से बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है, ये सिर्फ पावर केबल्स में है। और अब देखिए केबल का काम क्या है, पावर का ट्रांसमिशन, राइट, फ्रॉम अ सोर्स टू लेट से कहीं और, गॉट इट, और ये केबल वो पावर को ट्रांसमिट करते जाता है, ठीक है। एक्चुअली बहुत गर्मी हुआ है, मैं पंखा बंद करके बैठा, बिकॉज इफ आई टर्न द फैन ऑन देन यू वुडंट बी एबल टू लिसन टू मी, तो यही प्रॉब्लम है। और कलकत्ता में मैं वापस आ गया, मुसौरी में तो हूं नहीं, तो बस बैक टू 35 degrees एंड ह्यूमिडिटी। तो एनी विच वे, लेट्स गेट बैक। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये कंपनी छोटी कंपनी है लेकिन इनका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आया है। तो पहले अगर हम पावर केबल के बारे में बात करेंगे, मतलब हमारे देश में जितना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, फिर आप देखोगे अगर आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना है और हर गांव में या टायर 4-5 cities में इतना पावर रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको वो मतलब आपके वो सर के ऊपर से जो पावर का केबल का तार जाता है ना, अभी क्या कर रहे हैं लोग, उसको जमीन के नीचे से लेके जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये सब आपका हाई टेंशन वाली सब तार है, और सर के ऊपर से कितने तार लेके जाओगे, जितना डिमांड बढ़ेगा, जितना डेवलपमेंट होगा, उतना आपका देखोगे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर हो गया, रिन्यूएबल्स में जैसे सोलर हो गया, विंड, फिर उसके बाद आपका रेलवे, फिर जैसे मैंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बात किया, फिर जैसे ओवरहेड से अंडरग्राउंड केबलिंग, राइट। तो ये जो पूरा चीज सिस्टम है, राइट, मतलब हमारे देश में जितना भी आपका केपेक्स का ये साइकिल बूम हो रहा है, जितना भी आज आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे सेक्टर्स बेटर करेगा, तो उतना ही तो आपका केबल लगेगा, है ना। तो ये कंपनी एक अच्छी सी प्लेयर है जो कि एक नीच प्रोडक्ट में है, मतलब इनका कोई वायर का डिविजन नहीं है, वायर आपको लगता है घरों में है ना, लेकिन यहाँ पे इनका रियल एस्टेट के साथ कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ पावर के साथ, मतलब ये सिर्फ अपना पावर केबल्स बेचता है। तो इनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, दे ग्रू सेल्स एट 35% YOY इन Q4, और अगर आप इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे, दे ग्रू सेल्स 26%, राइट। इवन पॉलीकैप, आई नो के लाइक यहाँ पे सबका साइज और बेस अलग होता है, ठीक है, लेकिन हमें तो कंपेयर करके भी देखना है। तो पॉलीकैप ग्रू सेल्स 29% YOY इन Q4, और KEI इंडस्ट्रीज ग्रू सेल्स 18%। तो अगर मैं इन तीनों का रिजल्ट अगर देखूं Q4 में, तो सबसे अच्छा हाईएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ अभी कंपनी का जो आ रहा है वो है कि डायनामिक केबल का, ठीक है। इनका मैंने अभी तक कॉन कॉल नहीं सुना, लेकिन मैंने इनका बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, तो इनका अगर आप देखोगे बैलेंस शीट बहुत तगड़ा है, कोई एसेट लायबिलिटी मिसमैच है नहीं, और अगर आप इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का नंबर डाउन है, बिकॉज इनका भी आज बहुत सारे पैसा इन्वेंटरी में लगा के रखा है। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू आस्क द मैनेजमेंट के लाइक इज इट स्टक इन इन्वेंटरी और डिड यू लाइक यू नो इन्वेस्ट इन इन्वेंटरी सो दैट आपको बहुत तगड़ा डिमांड दिख रहा है, बिकॉज इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट 30-40% इन्वेंटरी में अगर ज्यादा पैसा अटका हुआ है आई एम ओके, राइट, बिकॉज इन एंटीसिपेटेड डिमांड को केटर करने के लिए तो आज आपको एग्जिस्टिंग कैश को इन्वेंटरी में डालना पड़ेगा, राइट। तो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कम दिखेगा, राइट, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं जो कंपनीज बहुत तगड़े रेट से ग्रो करता है उनका
कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, उसका फ्री कैश फ्लो होता नहीं, और अगर फ्री कैश फ्लो नहीं होता है तो वो डिविडेंड कैसे देगा। इसलिए छोटे कंपनी से डिविडेंड की उम्मीद मत रखना। बड़े कंपनी जिसका ग्रोथ नहीं है उनका पूरा कैश को लेके वो डिविडेंड दे देता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ITC और ये सब कोलगेट एंड ऑल दैट कंपनीज। ओके, तो ये हो गया आपका डायनेमिक केबल। अब ऑफकोर्स इन सबका तो कॉन कॉल वगैरह सुनना ही पड़ेगा, तो फिर से मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आता है मैं सिर्फ पीपीटी पढ़ता हूँ और इनका जो रिजल्ट्स देखता हूँ, और या फिर पुराने अगर मैं कॉन कॉल्स मतलब पढ़ा हूँ या ट्रैक किया हूँ तो उसको लेके मैं ये इनसाइट्स लेके ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो पॉलीकैब और KEI तो अच्छी है, लेकिन डायनेमिक केबल का नंबर्स मुझे अच्छा ही लगा, ठीक है। तो ये हो गया बात। अच्छा, तो ठीक है, चलो 15 मिनट्स का हो गया, अब एक और वीडियो में बाकी कंपनीज को कवर करते हैं।